तो आज हम ट्रिगर भी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं लास्ट क्लास से कुछ काम को ना यहाँ पे दोबारा से रख रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो काम किया था उसको मैं दोबारा से ना यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये दो टेबल हमने बनाए थे, ठीक है। और दो टेबल्स फिलहाल हमने बनाए थे, इसके अलावा दो नहीं तीन टेबल्स बनाए थे। और देन हमने समझा था कि हमने ट्रिगर्स को किस तरह यूज करना है। एक तो हमने ज्वाइंट यूज करके देखे थे लास्ट क्लास के अंदर कि तीन टेबल्स के ज्वाइंट आपस में आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ट्रिगर्स सीखे थे। तो ट्रिगर्स का काम जो है ना, ट्रिगर्स तक से काम जो है ना, मैं यहाँ पे दोबारा से ले रहा हूँ। अभी आज हमारा जो मकसद है बेसिकली वो ट्रिगर्स को स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बार बार लिखना पड़ता है तो मैं इसलिए लास्ट क्लास के कोर्स से ले रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस और जुलाई 16, नहीं सॉरी जुलाई 16, जुलाई 31। जुलाई 21, 2020, ठीक है। तो हमने डेटाबेस को यूज कर लिया, टेबल के क्रिएशन का कोड यहाँ पर आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो टेबल का जो कोड है ना इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एम्प्लॉय इन्फो के नाम से मैंने बनाया था, टेबल बन चुका है। टेबल का तो डेटा है ना, उसको भी सबको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये क्या टेबल का डेटा, ठीक है। तो ये मेरे टेबल में कुछ कुछ डेटा यहाँ पर मौजूद है, सही है। अब करना ये है कि मुझे ट्रिगर्स बनाने हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कुछ ट्रिगर्स बनाए थे, कैसे ट्रिगर्स थे वो, ये ट्रिगर्स से याद आ गया आप लोगों को, ये देखें। क्रिएट ट्रिगर और डेटा इंसर्ट के नाम से बनाया था ट्रिगर में। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं एक मतलब यहाँ पे दोबारा से कर रहा हूँ, और मुझे कोड दोबारा से लिखना ना पड़े इसके, मैं अपना पुराना ही लास्ट क्लास का कोड दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रिगर भी बना लेते हैं। ट्रिगर का कोड लिख के उसको सिंपली इस तरह से मुझे एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। सेकेंड वाला ट्रिगर भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब जरा इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। 5, ठीक है। लेट से अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड मैंने बनाया डिलीट करने के लिए, तो मैं कुछ डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो ठीक है। तो भाई ये डेटा था, ये डेटा प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, इसमें वो नहीं थे, क्या कहते हैं इसमें, इसमें 7-8 आइटम्स ही नहीं थे। कॉलम के नेम से लिख लेते हैं, आईडी था, ठीक है। इसमें मैंने 10 लिखा था, 10 तो आइटम्स ही नहीं थे, तो इसलिए मुझे इसमें सही से शो नहीं किया। यहाँ पर मैं 6 वाले को डिलीट कर देता, ठीक है। तो ये देखो उसने मुझे डाटा शो कर लिया कि भाई 6 नंबर पे ये डाटा था जो कि अब डिलीट हो गया, ठीक है। अगर आप
चेक करना चाह रहे हो कि कैसे सर डिलीट हो गया, तो कैसे पता? तो यहाँ चेक कर लो, सेलेक्ट की क्वेरी ऊपर है ना मेरे पास, ये सेलेक्ट की क्वेरी आप लगा लो, ठीक है, और आपका डेटा सारा चेक हो जाएगा। ठीक है, अब डेटा कितना आ रहा है मेरे पास? सिर्फ 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, छठा रिकॉर्ड नहीं आ रहा। मैं 6 रिकॉर्ड को फिलहाल तो दोबारा से सेट कर देता हूँ। ठीक है, इतना काम हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि हमने डेटा इंसर्ट करके देखा तो हमें पता चल रहा था कि जी आपने ये डेटा इंसर्ट किया, डेटा डिलीट करके देखा तो हमें पता चल रहा था जी आपने ये डेटा डिलीट किया। ठीक है, इसके बाद लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ कि अब ये जो डेटा है ना, अगर मैं कोई अपलोड डेटा इस टेबल के अंदर कोई चीज़ अपलोड अपडेट करूँ, यानी कोई चीज़ पर ऐड करूँ या कोई चीज़ डिलीट करूँ, मिसाल है, ठीक है, तो क्या हो जाए? तो हो ये जाए कि मेरा जो डेटा है, ठीक है, वो एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड, एक और सेकंड टेबल के अंदर मुझे वो पता चल जाए, ठीक है। यानी इससे मुराद ये है कि ऐसा होता है ना कि अक्सर कोई आपके डेटा के अंदर कोई चेंजेस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? आप ये कहते हैं कि भाई मेरा जो डेटा अपडेट अपडेट करने की कोशिश की गई थी ना, ठीक है, मैंने उसके पर सर मैं हम लोग आमतौर पे ये होता है, लोग करते हैं, ठीक है, उनके जब डेटा को अपडेट करने की कोशिश की जाती है तो वो ये करते ही हैं कि वो डेटाबेस के अंदर एक और टेबल बनाते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कि आप जब भी उनके डेटा के अंदर कोई अपडेट करोगे, कोई चेंजेस करने की कोशिश करोगे, तो होगा क्या? वो जो आप चेंजेस करने की कोशिश करोगे ना, एग्जैक्टली वो रिकॉर्ड चलो यहाँ चेंज तो हो जाएगा, लेकिन उसके नाम से ना एक रिकॉर्ड बन जाएगा एक उसके एक दूसरे टेबल के अंदर, जो आपको पता भी ना हो शायद, क्योंकि आपने तो स्पेसिफिकली इस टेबल के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, ठीक है, एक दूसरे रिकॉर्ड के अंदर पता चल जाएगा कि भाई इस डेट पर या इस टाइम पर, ठीक है, आपके डेटा के अंदर कुछ ऐड करने की कोशिश की गई थी। सही है, इस तरह का नोटिफिकेशन चला जाता है। अब ये सब कुछ कैसे सही होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें जाहिर है एक टेबल बनाना पड़ेगा। कौन सा टेबल? जिसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन भेजनी है। फर्स्ट करो, मैं एम्प्लॉय इन्फो के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ, कोई इंसर्ट करना चाह रहा हूँ यानी, ठीक है, और जैसे ही मैं इंसर्ट करूँ, जैसे ही मैं इंसर्ट करूँ तो मेरे दूसरे वाले टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि भाई ये डेटा जो है ना इंसर्ट करने की कोशिश की गई है। सही है, तो मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए, वो टेबल जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जानी है। मैं ऐसा होता है कि हमारे पास जो टेबल्स होता है ना हमारे, ठीक है, उसके अंदर कोई अपडेट करने की कोशिश की जाती है। फर्ज करें मेरे एम्प्लॉय इन्फो के नाम से टेबल बना हुआ है ना, अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा, ये एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने भी एक टेबल बनाया था, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी कभी फ्यूचर में कोई भी इस टेबल के अंदर कोई इंसर्ट करने की कोशिश करेगा ना डेटा, ठीक है, तो क्या हो जाए, वो रिकॉर्ड या वो नोटिफिकेशन मेरे एक दूसरे टेबल में सेव हो जाए, ठीक है, कि भाई इस वक्त इस टाइम पे मेरे डेटा के अंदर मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई थी, या मेरा जो टेबल था एम्प्लॉय इन्फो उसके अंदर कुछ इंसर्ट करने की कोशिश की गई थी, या कुछ इंसर्ट किया गया था, ठीक है, तो हम इसको टैकल करेंगे अभी। और अब ये कैसे टैकल होगा, हमें एक अदर टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्टोर होती रहेगी हर मरतबा। सही है, तो वो बनाते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है, और एम्प्लॉय इन्फो बनाना, तो ऐसा करते हैं कि हमें हिसाब किताब चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं एम्प्लॉय ऑडिट कर देते हैं, ठीक है, इस टेबल का नाम जो नया बना रहे हैं, एम्प्लॉय ऑडिट कर देते हैं, ठीक है। ओ ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कॉलम्स को डिफाइन करना है, तो भाई ऑडिट आईडी जो होगी वो तो जाहिर पहली होगी, ऑडिट आईडी इंटीजर, ठीक
और प्राइमरी के, प्राइमरी की हो गया, और इसको आइडेंटिटी दे दो। आइडेंटिटी 1,1, 1,1। ये आइडेंटिटी क्या होती है? ये आइडेंटिटी आपका ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो आईडी होगी ना, ये खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। अब ये क्या होता है? ये होता है आपकी आईडी का स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? कहाँ से आपकी आईडी स्टार्ट होगी, ठीक है? 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1 से स्टार्ट होगी। और कॉमा 1 क्या लिखा है मैंने? ये जो दूसरे कॉमे के बाद जो 1 है, इसका मतलब है कि कितने इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर। यानी हर मरतबा जब आपका एक नया रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा, तो हर मरतबा नई आईडी के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता जाएगा। यानी फर्ज करो आपने एक रॉ में आईडी तो 1 आ गई, फिर दूसरी में क्या आएगी? 2 आएगी या 3 आएगी? अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा ना, तो दूसरी में 3 आएगी, तीसरी में 5, फिर 7, फिर 9, क्योंकि दो 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 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा होगा हर मरतबा, ठीक है? तो ये ऑटो इंक्रीमेंट के अंदर काम आती है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोग स्कूल में, हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज में थे, ठीक है? तो क्या होता था कि आपको जीआर नंबर मिलता था स्कूल का, याद है मुझे? स्कूल के अंदर क्या होता था, एक जीआर नंबर मिलता था। वो जीआर नंबर क्या होता था? जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर होता था वो, ठीक है? वो नंबर होता था, उस नंबर से आप स्कूल में रजिस्टर्ड होते थे, सही है? तो ये आप लेट से आईडी क्रिएट कर रहे हो। अब आईडी का मतलब क्या? लेट से आपकी स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी किसी ना किसी की ना 001 भी रही होगी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बढ़ती गई। फिर क्या हुआ, आप लोग आए सेंटर में, तो आप लोगों को भी एक आईडी मिली, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा, यानी स्टूडेंट आईडी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। इस तरह ये आईडी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, हमें यहाँ पर वैल्यू सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए, ठीक है? तो ये हमने दे दिया, आइडेंटिटी भी दे दी। अब क्या करते हैं, एक और कॉल नंबर आता है, और इस कॉलम का नाम क्या देते हैं? इस कॉलम का नाम देते हैं ऑडिट इन्फो, यानी इन्फॉर्मेशन क्या आएगी इस टेबल के अंदर। ऑडिट इन्फो, ठीक है? और फिर इसके बाद आप इसको टाइप क्या दोगे? इसको टाइप दे लो बस, बार चार। और यहाँ पे मैं ज्यादा कैरेक्टर्स दे रहा हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है 50 कैरेक्टर्स से ऊपर भी चली जाती है लाइन, सही है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स की जो लिमिट थी वो 50 नहीं रखी है, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स की लिमिट ज्यादा रखी है, सही है? अब ये टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, बहुत आसान है। Employee audit, ठीक है? ये तो सीन हो गया यहाँ तक का। अब वही वाली बात के मैं चाह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन जाए कहाँ पर? मैं चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन जाए मेरे एम्प्लॉय ऑडिट वाले टेबल के अंदर, कि भाई आपके टेबल में कोई चेंजेस करने की कोशिश की गई है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन, चलो आओ इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं। अब जो ट्रिगर क्रिएट करेंगे ना, वो देखना, वो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? मैंने कहा क्रिएट, अब ट्रिगर की, यानी ट्रिगर बनाऊंगा और डेटा इंसर्शन की बेस के ऊपर यहाँ पर डेटा इंसर्ट होगा इस टेबल के अंदर, ठीक है? क्रिएट ट्रिगर, और हमने क्या दिया, इसका नाम ऑडिट ही रख दिया फिलहाल, ठीक है? ऑडिट, और ये किस टेबल में बन रहा है? ये बन रहा है एम्प्लॉय इन्फो पे, तो एम्प्लॉय इन्फो मुझे एग्जैक्टली नाम चाहिए ताकि मैं गलती ना करूं। क्योंकि देखो यहाँ पे सजेशंस नहीं आते, ठीक है? अब मुझे तो नाम अभी याद था एम्प्लॉय इन्फो का, मैंने बोला भी था एम्प्लॉय इन्फो, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग मिस्टेक कम से कम करो, एहतियात ना अगर ऐसे कॉपी पेस्ट ना भी करो, एक मतलब देख लो जरूर। एम्प्लॉय इन्फो पे मैंने बनाना है ये, ठीक है? और कहाँ पे बनाना है? इंसर्शन के बाद, यानी जैसे इंसर्शन हो, डेटा इंसर्ट हो, तो
मैं डेटा का रिकॉर्ड ना कहीं सेंड कर दूं, एज और ये मैंने बताया था कि ये वो सिंटैक्स होता है, जैसे आपके कर्ली ब्रैकेट्स काम कर रहे होते हैं ना, उस तरह का काम कर रहा होता है ये। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, क्योंकि जाहिर है मुझे बार बार आईडी भेजनी होगी ना उस नए टेबल के अंदर, तो किसी ना किसी वेरिएबल के थ्रू भेजूंगा, कि जैसे जावास्क्रिप्ट में किसी भी लैंग्वेज में भेजते थे, तो किसी ना किसी वेरिएबल के थ्रू भेजूंगा, तो वो वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ठीक है, डिक्लेयर करना है पहले तो वेरिएबल, डिक्लेयर एट द रेट आई डी, ठीक है, की टाइप इंटीजर होगी, ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, बस हो गया डिक्लेयर। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट रेट आई डी, देखो नीचे आ रहा है एट द रेट आई डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, फ्रॉम इंसर्टेड, ये काम तो होगा ना, तो आई इंसर्टेड में से क्या करो, वो आईडी लेकर आना, कौन सी आईडी है वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब मुझे ऑडिट के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है कि जो आईडी बनी है ना, जो नया डेटा इंसर्ट हुआ है, तो जाहिर कोई ना कोई न्यू आईडी बनी होगी एम्प्लॉय इन्फो के अंदर, वो जो न्यू आईडी बनी है वो मैंने मंगवा दी, अब मुझे उसको शो कराना है, उसको इंसर्ट कराना है अपने एम्प्लॉय ऑडिट वाले टेबल के अंदर, इंसर्ट इन टू एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऑडिट, ठीक है, एम्प्लॉय ऑडिट, ठीक है, और वैल्यूज, नॉलेज थी। अब देखो असल काम आता है, अब किस तरह से इसको डील करना है, सिंगल कोटेशन वाले जो इनवर्टेड कॉमास होते हैं ना वो यूज करोगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे इस तरह से कि एम्प्लॉय विद आईडी डैश अच्छा आईडी का आई मैं कैपिटल कर रहा हूँ फिलहाल, ये हमारा वेरिएबल नहीं है, ये तो इनवर्टेड कॉमास के अंदर है, तो इसको तुम लोगों को पता है कि ये वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है, और याद है सी शार्प के अंदर या उसी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इस तरह वेरिएबल को लिखते थे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, और अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल को कास्ट करना है, ठीक है, तो ये कास्ट का एक फंक्शन होता है जो यहाँ पे वेरिएबल को कास्ट करेगा इस पूरे दरमियान, वही कॉन्कैटिनेशन वाला जो सीन है ना वो मुझे यहाँ पे करना था, ठीक है, तो मैंने क्या किया एट द रेट ये वेरिएबल यहाँ पर आ गया एज बार चार, ऐसा बार चार लेकर आना है, क्योंकि वहां पे आईडी की टाइप तो इंटीजर थी, लेकिन यहाँ पे मैं जो टाइप इसके अंदर दी है ना वो ऐसा बार चार ही शो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम की टाइप अगर यहाँ पे देखो तो ऑडिट इन्फो का कॉलम है ना, ये सेकंड कॉलम है, और इसकी टाइप क्या होगी बार चार, तो मुझे जो भी डेटा यहाँ पे लेकर आना है वो बार चार ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से काम हो गया, प्लस का साइन, ठीक है, इज इंसर्टेड कर दो, ठीक है, इज इंसर्टेड इंसर्टेड। और अब क्या करना है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना डेट आ जाए, ठीक है, मतलब इस कॉलम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डेट आ जाए, ऑन इंसर्टेड ऑन
यहाँ पे मैंने कह दिया जी गेट डेट। गेट डेट का एक फंक्शन होता है गेट डेट, सही है, और ये आपका काम हो गया। अच्छा मैं इसको बोल दो क्या इस बार से, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर 50 दे दिए, ठीक है बस। अच्छा ये हमने पूरा काम कर दिया, ठीक है। बस यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। अब मिसाल है मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया है एक अदर ट्रिगर, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, कोई डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने इंसर्ट कर दी थी लाइन, यहाँ पर मैं इसको ID 7 करके और कुछ ना कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और हमने क्या कहा, ये देखो ये डेटा तो इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये डेटा इंसर्ट तो हो गया, लेकिन इशू ये है कि अभी वो ट्रिगर या तो वहां पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या तो वो चला नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एम्प्लॉय ऑडिट को जरा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने डेटा तो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ये ट्रिगर चल भी गया ये वाला, ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि सिलेक्शन की स्टेटमेंट ही नहीं लगाई थी यहाँ पे, तो मुझे ये लगा कि ये ट्रिगर चला ही नहीं। सेलेक्ट करो, ये देखो डेटा इंसर्ट हुआ, एम्प्लॉय विद ID 7 इज इंसर्टेड ऑन July 21, 2020। समझ में आया वाली बात सबको? जी हाँ, जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे हमने डेटा इंसर्ट किया है, तो आपने देखा कि दूसरे टेबल के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ये बात समझ में आई आपको कि हमने किस तरह से किया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक अदर ट्रिगर बनाया, ठीक है, और फिर उस ट्रिगर के थ्रू हमने क्या किया कि हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया अपने एम्प्लॉय ऑडिट वाले टेबल के अंदर। हमने ट्रिगर बनाया किस पर, एम्प्लॉय इन्फो पे, लेकिन वैल्यू सेव किस में हो रही है, एम्प्लॉय ऑडिट के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे देखा। देखें मैंने वहाँ पे एम्प्लॉय ID नंबर 7 इंसर्ट की ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय विद ID 7 इज इंसर्टेड ऑन और करंट डेट आज की July 21, 2020, ठीक है। ये बात समझ में आई कुछ? वेरी गुड। अच्छा अभी फिलहाल हम आगे भी चलते हैं, ठीक है, और आगे का काम भी करते हैं। आगे किस तरह, आगे बेसिकली अब लेट से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यही ट्रिगर को आप रोक दें, मतलब मैं आप लोगों से कहूँ कि यार इनको ना, यानी फर्ज करो कि मैं ये कहूँ कि आप लोग इन्हें रोक दो कि भाई अभी डेटा इंसर्ट ही ना कर पाए, तो वो पॉसिबिलिटी है क्या कोई? जी उसकी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं आपसे कहूं कि आप इसको इस तरह रोक दें कि ये कुछ डाटा इंसर्ट ही ना कर पाए, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप रोक दें डाटा को कि भाई आप रुक, मतलब डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते आप? जी अरे वाह, सोचें ऐसा पॉसिबल है कि आप कुछ ऐसा कर सकती हैं कि आपने कहा कि सर ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे आप एम्प्लॉय इन्फो के अंदर डेटा ही इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। कैसे होता है ये काम, करते हैं ऐसा, करते हैं ऊपर से एक ट्रिगर लेते हैं और उसको ना उसी को यहाँ पे यूज करते हैं।
प्यारे से ट्रिगर को उठाते हैं ऊपर से। ये रहा ना हमारे पास ट्रिगर, ये रहा, ये इंसर्टेड पे जो बनाया हुआ था ना, इसको यूज कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ इंसर्ट इंसर्ट के ऊपर, यानी मेरे डेटा के अंदर कोई नया, मेरे टेबल के अंदर कोई नया डेटा इंसर्ट ना हो पाए। मैं रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूँ, ना इंसर्ट हो पाए, ना कोई डाटा अपडेट हो पाए, ना कुछ डिलीट हो पाए, यानी बिल्कुल स्टक करके रख दूँ मैं अपने यूजर्स के लिए। कोई भी बंदा मेरे डेटा को इधर उधर ना कर सके, ठीक है। तो मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ अपने ट्रिगर का, और मैं शुरू कर रहा हूँ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंसर्शन। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंसर्ट इंसर्ट, ठीक है, एम्प्लॉय इन्फो भी लगाना है। और अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस क्या है, आपने यहाँ पे लिखना है आफ्टर नहीं इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है इंस्टेड ऑफ इंसर्ट। और अब आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है मैंने डेटा डेटा तो शो ही नहीं कराना, तो यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट और इस तरह से प्रिंट करा दें, यू कैन नॉट इंसर्ट डेटा। बस हो गया, ये ट्रिगर बन गया, ठीक है। और ये मैं इसके अंदर इंसर्शन कराता हूँ, जल्दी से ज्वाइन कर ले भाई। यार आज नहीं आना, थर्सडे को आना है। एग्जाम है कल। अच्छा कल भी मैं तुम लोगों से कल जो कह रहा था ना कि ईमेल आई है या नहीं आई, असल में इशू ये हुआ था कि एक बैच के कुछ स्टूडेंट्स के पास ईमेल आई थी कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो आज है, सही है। बेसिकली एग्जाम तो 22 को था, लेकिन उनके पास ईमेल आई थी कि आप, मतलब वो जो एग्जाम की ईमेल होती है ना, जिससे पहले भी आ चुकी है आप लोगों को, वो ईमेल उनके पास कल ही आ गई थी, ठीक है। अब उनमें से एक जज्बाती ने वो एग्जाम ओपन करके एग्जाम सबमिट भी कर दिया माशाल्लाह से। तो हम मैं बस इसलिए पूछना चाह रहा था कि भाई आप लोगों के पास तो कोई ईमेल नहीं आई, बस ये मकसद था। हाँ वो तो सेंटर ने भेजा था कि आप लोगों को याद रहे कि भाई 22 को एग्जाम। कौन सी चीज है? सही
कल की एग्जाम के लिए अगर तुम्हें कुछ हेल्प लेनी है तो हाँ तुम आ जाओ आज, मैं 1 बजे आऊंगा यार सेंटर, 1 सवा 1 बजे तक मैं सेंटर पहुंचूंगा। और मैं हाँ 5 सवा 5 तक हूँ वहाँ पे, 4:30 4:45 तक जाऊँगा वहाँ पे, अगर लाइट नहीं गई 4 बजे तो, वरना फिर 4 सवा 4 बजे निकल जाऊंगा। हाँ मैं इंशाल्लाह आऊंगा वहाँ पे, अगर मैं ना भी हूँ ना और 1:30 बजे तक अगर मैं ना भी पहुंचूँ तो 5-10 मिनट वेट कर लेना, मैं रास्ते में ही आऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने निकलना है 1 सवा 1 बजे तक घर से, मैं पहुंच जाऊंगा 1:30 से पहले इंशाल्लाह। अच्छा अभी अब हमने क्या किया, अब हमने डेटा ट्रिगर बना दिया, ट्रिगर को हमने एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसी स्टेटमेंट को ना एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, यू कैन नॉट इंसर्ट एनी डेटा। और अब देखते हैं क्या इसके अंदर कोई डेटा आया भी है या नहीं आया, मतलब ये ऐसे ही बोल रहे हैं आप वाकई। तो ये देखो 2 मरतबा इसमें यानी 7 जो है वो नहीं है यहाँ पे, मैंने 7 इंसर्ट करने की कोशिश की थी ना, 7 वाला रिकॉर्ड, ठीक है, एक तो प्राइमरी की है तो जाहिर इंसर्ट होना भी नहीं था, एरर आ जाता। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि इसने इंसर्ट ही नहीं होने दिया, मैंने जो यहाँ पे ट्रिगर लगाया ना उसने क्या किया, इंसर्शन ही रोक दी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा अब आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलने का मतलब ये है कि हम अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि अब अपडेट करने के ऊपर मैं सेट कर देता हूँ कि भाई अब अपडेट ना हो पाए। इसी को मैंने कॉपी किया, इसी को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, बिकॉज बार बार लिखने का नुकसान ही है, तो मैं एक ही चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन अपडेट। तो देखो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल मुझे ये करना है, यू कैन नॉट वो इंस्टेड ऑफ अपडेट, और यहाँ पे इंस्टेड की जगह अपडेट करना है, और ये ट्रिगर चला देना है। ठीक है, और मैं नेम चेंज करना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय इन्फो के अंदर, अपडेट यहाँ पे करूँगा मैं, मुझे आईडी नंबर 7 के ऊपर मारिया को अपडेट करना है, ठीक है, हाँ आईडी नंबर 7 में मुझे मारिया को अपडेट करके मारिया की स्पेलिंग चेंज करनी है, अभी MARIA है, मुझे MARIAH करना है, ठीक है, अपडेट। अच्छा ठीक है, इससे क्या होता है, तो देखो ये क्या कह रहा है, यू कैन नॉट अपडेट एनी डेटा, ठीक है, मैंने अपडेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब न्यू डेटा में अपडेट भी नहीं कर सकता, ठीक है, यानी अपना पुराना एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट भी नहीं कर सकता, न्यू डेटा इंसर्ट भी नहीं कर सकता, तो क्या मैं डेटा डिलीट कर सकता हूँ? नाउ लेट्स सी, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिलीट, यहाँ पे डिलीट कर दो, लगता है बारिश वाला मौसम हो रहा है बड़ा अच्छा आज, यू कैन नॉट दिल्ली डिलीट एनी डेटा, ठीक है, ये मैंने ट्रिगर चलाया और मैं अब डिलीट की स्टेटमेंट चला के देखता हूँ। ठीक है, आईडी नंबर 7 पे से डेटा डिलीट करना है, तो ये देखो यू कैन नॉट डिलीट एनी डेटा, देखा आप लोगों ने कितना
किस तरह हम टेबल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, टेबल के ऊपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, या ट्रिगर्स का बेसिकली फायदा क्या है? ट्रिगर्स का फायदा ये कि ये तब मैं यही बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ट्रिगर्स को यूज कर सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं। इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये कि आप किस तरह से अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी अपना मैं डेटा इंसर्ट कर सकता ना अपडेट कर सकता अपने टेबल में, ना डिलीट कर सकता। एम्प्लॉय इन्फो के अंदर मैं ना अपडेट डिलीट ना इंसर्ट कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने तीन अदर ट्रिगर ऐसे लगा दिए हैं कि वो ट्रिगर्स ना मुझे अपडेट करने देंगे डेटा, ना मुझे डिलीट करने देंगे, ना मुझे इंसर्ट करने देंगे। और वो ट्रिगर सिर्फ क्या है, उनका सिंटैक्स किस तरह का है? क्रिएट ट्रिगर्स, मैंने इनका नाम रखा है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेरा नाम भी आ सकता है, यहाँ पे आपके से किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है। ऑन और जिस टेबल पे लगाना है, मैंने एम्प्लॉय इन्फो पे लगाना था ये ट्रिगर, तो मैंने एम्प्लॉय इन्फो पे लगाया। इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, इंस्टेड ऑफ डिलीट, तो इंस्टेड ऑफ डिलीट क्या मतलब क्या होता है? डिलीशन के बजाय, ठीक है, डिलीट के बजाय या डिलीट के अलावा आप क्या करो, बजाय डिलीट के आप यूजर को ये मैसेज शो करा दो। आप डेटा को डिलीट नहीं करो, आप उसके बजाय यूजर को क्या कर दो, ये मैसेज शो करा दो। इसका मतलब ये, अगर इसको हम आसान अपने अल्फाज में समझने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इंसर्शन पर भी है, ये रहा मैंने बनाया क्रिएट ट्रिगर, और ये नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेट से मेरा नाम क्रिएट ट्रिगर और तकी ऑन एम्प्लॉय इन्फो, किस टेबल में बनाना है? एम्प्लॉय इन्फो में बनाना है, ठीक है। किस काम के लिए बनाना है? इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, यानी इंसर्ट ना करो, इंसर्ट के बजाय आप ये प्रिंट करा दो कि यू कैन नॉट इंसर्ट एनी डेटा। इसका मतलब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई अभी यहाँ पर कि भाई ये टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता, सही है? यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? जी यहाँ तक प्रॉब्लम? अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। अभी हमने एम्प्लॉय ऑडिट बनाया था ना, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हमने अभी एम्प्लॉय ऑडिट का टेबल बनाया था, वो क्या रहा था कि हम डेटा को जैसे इंसर्ट कर रहे थे तो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल में जा रहा था, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं कि जब भी कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करे तो हम दूसरे टेबल के अंदर एक मैसेज ट्रांसफर कर दें कि भाई समवन ट्राइड टू इंसर्ट डेटा, ठीक है, और उसकी डेट या टाइम वगैरह जो है वहां पर, डेट जैसा भी हमने यहाँ पे शो की थी डेट, ऐसे ही आप यहाँ पर डेट शो कर सकते हो, ठीक है। कैसे बनेगा वो ट्रिगर? इंतहाई आसान है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो ट्रिगर है ना, मैं इसको यूज करते हुए बना रहा हूँ वो ट्रिगर, नहीं इंसर्शन वाले को, क्योंकि उसमें से तो कुछ ज्यादातर हटाना ही नहीं पड़ेगा। मैं इंसर्शन वाले जो मेरा ट्रिगर है ना उसको यूज करते हुए बना रहा हूँ ये ट्रिगर नया, क्रिएट ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन और इंसर्ट, ठीक है। और इसको मैं कह रहा हूँ ऑडिट, ठीक है, क्योंकि ये ऑडिट वाले टेबल के अंदर मेरा जो डाटा है ना वो ट्रांसफर करेगा यहाँ से, सही है। और तुमने कह दिया यहाँ से जो मामला थे ना वो जरा से तब्दील हो जाएंगे, तुमने कह दिया एम्प्लॉय ऑडिट वैल्यूज, बस ये देखो, डेटा ऑन और आपको डेट इंसर्ट करनी है दायरे, ठीक है। तो मैंने कहा कास्ट, कास्ट क्या करनी है? गेट डेट, गेट डेट, और गेट डेट क्योंकि एक फंक्शन है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएंगे, एज क्योंकि वो वार चार कॉलम था ना, इसलिए वार चार 50 हो गया, खत्म, नया ट्रिगर बन गया, उसमें काम भी हो गया, सब कुछ खत्म भी हो गया, ठीक है। अब देखो इशू ये आ रहा है कि ये जो प्रोसीजर है ना, ये रिस्ट्रिक्शन वाला जो काम है, ठीक है, इसका मसला ये है कि ये कैन नॉट क्रिएट अ ट्रिगर
बिकॉज ये देखो यहाँ पे ना पहले से इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बना हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे, ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ ट्रिगर ना पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस ट्रिगर को ड्रॉप कर दूंगा। कहाँ गया दिखा देते हैं अभी तुम हमको, मैं उस पुराने वाले ट्रिगर को ना ड्रॉप कर दूंगा, उसका नाम देख लूंगा उसमें, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंसर्ट नाम है वैसे उसका, ठीक है, लेकिन मैं तुम दिखाता हूँ। ये देखो क्रिएट ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन ऑन अपडेट इंसर्ट, ठीक है। मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो लेट से इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने कहा ड्रॉप ट्रिगर ये हमने किया, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। F5. अभी एग्जीक्यूट हो गया, इसके अंदर कोई एरर भी नहीं है, ठीक है। और अब कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, ID नंबर 7 वाला ही डाटा दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। अरे अरे अरे, अरे आज ने सारा कोड कर लिया। ये F5 देखो क्या लिखा हुआ है, ये रॉ सेलेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब है दो दो रॉ सेलेक्टेड हुई है पूरे कहीं ना कहीं में, तो मुझे सिलेक्शन करके देखनी पड़ेगी कि भाई कहाँ कहाँ से डाटा मेरा जो है ना वो मैनिपुलेट हुआ है। रॉ चेक करते हैं, अब एम्प्लॉय ऑडिट वाले टेबल पे जाएंगे, एम्प्लॉय ऑडिट एम्प्लॉय ऑडिट एम्प्लॉय ऑडिट एम्प्लॉय ऑडिट, ये रहा एम्प्लॉय ऑडिट, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑडिट F5। देखो समवन ट्राइड टू इंसर्ट डेटा ऑन July 21, 2020, समझे, दस पर डेटा आया, ये पूरा शो नहीं कर पाया, तो इसलिए इसने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताएं भाई, जी काफी लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।